एक जंगल में एक शेर रहता था। वह बहुत ही बूढ़ा हो चुका था। बूढ़े रहने की वजह से वह शिकार तो क्या, कोई छोटे से छोटा जानवर तक नहीं पकड़ा पाता था, जिसकी वजह से वह भूखा ही रह जाता था। और जंगल के सभी जानवर उसके ऊपर हंसते थे। भूखे रहने की वजह से वह दिन पर दिन कमजोर भी होता जा रहा था। एक दिन की बात है, शेर को बहुत तेज भूख लग रही थी और वह भूख की वजह से बिलबिला रहा था। भूख के मारे तो मेरी जान ही निकले जा रही है और अभी तक कोई भी ऐसा जानवर दिखाई नहीं दे रहा जिसे मैं आसानी से पकड़कर खा सकूं। ऐसे तो एक दिन मैं भूख ही मर जाऊंगा। शेर बूढ़े होने की वजह से ज्यादा चल भी नहीं पाता था। तभी शेर के पास से एक हिरन जा रही थी और वह शेर को देखकर रुक जाती थी। और क्या हाल है शेर राजा, सब ठीक तो है ना? तुम ऐसे मुंह लटकाए क्यों बैठे हो? क्यों आज भी कोई शिकार हाथ नहीं लगा? और फिर सभी हिरन यह कहते कहते हंसने लगता था। तो शेर अंदर ही अंदर सभी हिरन को हंसता हुआ देखकर बड़ा जल रहा था। हंस लो, आज तुम सब हंस लो, लेकिन एक दिन तुम सब खुद ही मेरे पास आएंगे और रोएंगे। फिर सभी हिरन हंसते हुए वहाँ से चले जाते हैं और शेर बेचारा अपने दांत पीसता हुआ रह जाता है और फिर खाने के लिए किसी जानवर का इंतजार करने लगता है। पर बहुत देर होने के बाद भी उसके पास से कोई भी जानवर तक नहीं निकलता जिससे वह पकड़ कर खा सके। इतनी देर हो गई, अब तक कोई भी जानवर तक नहीं आया। ऐसे तो मैं भूख ही मर जाऊंगा। मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही चाहिए। फिर अगले दिन शेर की गुफा के पास से बहुत सारे हिरन गुजर रहे थे और वह शेर को खुश देखकर रुक जाते हैं और उससे पूछने लगते हैं। शेर राजा, क्या बात है, आज बड़े खुश नजर आ रहे हो। लगता है आज तुम्हें खाने के लिए कोई जानवर मिल गया है, तभी इतने खुश नजर आ रहे हो। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हिरन शेर की बात सुनकर बड़े हैरान होते हैं। फिर ऐसे क्या बात है जो आज तुम इतने खुश नजर आ रहे हो? आज से पहले तो तुम्हें इतना खुश कभी नहीं देखा। जरा हमें भी बता दो, ऐसे बात क्या है? पहले तुम सब बताओ कि किसी को भी बताओगे तो नहीं? नहीं नहीं, हम किसी को नहीं बताएंगे। मेरी गुह के अंदर से एक स्वर्ग जाने का रास्ता है। जो भी उस रास्ते से जाएगा वो सीधा स्वर्ग पहुंच जाएगा और वहाँ से जवान बनकर ही लौटेगा और फिर वो कभी नहीं मरेगा। हिरन बेचारे बहुत सीधे थे, वो शेर की चालाक बातों में आकर फंस गए। शेर राजा, हमें भी स्वर्ग जाना है, हमें भी जवान बनना है। ठीक है, मैं तुम सभी को हर रोज एक एक करके गुरु के रास्ते स्वर्ग भेज दूंगा। फिर क्या था, अगले दिन सुबह होते ही एक हिरन शेर के पास आता है तो शेर उसे गुफा में भेज देता है और उसके जाते ही शेर भी गुफा में चला जाता है और हिरन को मार कर खा जाता है, जिससे उसका पेट एकदम से भर जाता है। ओहो, आज इतने दिनों बाद हिरन की मांस खाकर मजा ही आ गया। फिर अगले दिन शेर एक और हिरन को गुफे के अंदर स्वर्ग जाने के लिए भेज देता है, पर शेर उसे भी मारकर खा जाता है। सभी हिरन समझने लगते हैं कि स्वर्ग इतना अच्छा है कि किसी का भी मन नहीं करता वहाँ से वापस आने का। लगता है स्वर्ग बहुत ही अच्छा है,
अभी तो वहाँ से कोई भी वापस नहीं आता। हाँ, स्वर्ग है ही इतनी सुंदर कि किसी को भी मन नहीं आता है कि वापस आने का। शेर इसी तरह हर रोज एक हिरन को बेवकूफ बनाकर गुफा में स्वर्ग जाने के लिए भेज देता है और फिर खुद उस हिरन को मारकर खा जाता है। इससे उस बूढ़े शेर के अंदर ताकत आने लगी थी और अब से वो भूखा भी नहीं रहना पड़ता था। एक बार की बात है, एक रोहन नाम का लड़का था। उसकी उम्र 8 साल थी और रोहन बहुत ही क्षेत्र लड़का था। एक दिन रोहन अपने दोस्त नकुल के साथ स्कूल से घर जा रहा था और उसे रास्ते में एक कुत्ते का बच्चा दिखाई देती है। उसे देखकर रोहन के शैतानी सूजन लगी। नकुल, वो देखो उस पप्पी को, कितना प्यारा है ना, चलो उसके साथ खेलते हैं। पर जरा ध्यान से, क्योंकि मेरी मम्मी कहती है कि सभी जानवर खतरनाक होते हैं। अगर हम उनके नजदीक गए तो वो हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। नकुल और रोहन कुत्ते के बच्चे के साथ खेलने लगते हैं। रोहन शैतान होने की वजह से कुत्ते के बच्चे के कभी कान खींचता तो कभी पूछ। नकुल मना करता रहा कि वो उसके साथ ऐसा ना करे, पर वो नहीं माना। खेलने के बाद वो दोनों वहाँ से अपने अपने घर चले जाते हैं। अगले दिन जब वो फिर से उसी रास्ते से होकर जाते हैं तो रोहन उस पप्पी को देखकर चौंक जाता है। उस पप्पी को शायद चोट आई है, वो देखो उसके कितना खून बह रहा है, किसने किया होगा ये सब उसके साथ? तुमने, कल तुम उस बेचारे जानवर के साथ नहीं खेल रहे थे, तुम तो बस उसे परेशान कर रहे थे। कभी कान खींचते थे, कभी उसे ऊपर से गिरा देते, ये सब उसी की वजह से हुआ है। जरा सोचो, अगर तुम्हें जरा सा भी चोट लगी तो तुम्हारी मम्मी कितनी परेशान हो जाती है और तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर भागती है। पर ये बेचारा, इसकी मम्मी इसे कहाँ लेकर जाएगी? रोहन, ये तुमने अच्छा नहीं किया इस बेचारे जानवर के साथ। रोहन को नकुल की बात से अकल आ जाती है। उसे अपने किए पर बहुत पछतावा होता है। मैंने उसे चोट पहुंचाई है तो मैं ही उसे ठीक करूंगा। मैं उस पप्पी को अपने साथ घर लेकर जाऊंगा और उसके बहुत अच्छी से देख रही करूंगा। सच में तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो, मैं भी रोज तुम्हारे घर आया करूंगा, फिर हम दोनों मिलकर इसकी सेवा करेंगे। रोहन उस पप्पी को उठाकर चुपचाप अपने घर ले जाता है। मम्मी को कुछ पता ना चले इसलिए चुपचाप अपने कमरे में उसे अपने साथ रखता और उसे रोज कटोरी में दूध पिलाता है और अपने साथ ही बिस्तर पर सुलाता है। एक दिन नकुल अपने साथ एक घायल बिल्ली को लेकर रोहन के पास पहुंचता है। नकुल, इसे तुम कहां से ले आया? तुम्हें पता नहीं है, मम्मी को बिल्लियों से बहुत नफरत है। अगर इसके मियों मियों की आवाज मम्मी के कानों में पहुंच गई तो उन्हें इस पप्पी को यहाँ होने का भी पता चल जाएगा और फिर बहुत मार पड़ेगी। मेरी बात तो सुनो, मैं इसे तुम्हारे पास इसीलिए लेकर आया हूँ क्योंकि इस बिल्ली को चोट लगी है। जैसे तुमने इस पप्पी को ठीक किया है वैसे ही इस बिल्ली को भी ठीक कर दो। रोहन बिल्ली को अपनी गोद में उठाकर उसे बहुत प्यार से सुलाता है, उसके दवा लगाकर पट्टी बांध देता है। ऐसे ही कोई दिन बीत गए। बिल्ली और कुत्ते का बच्चा रोहन से इतना घुल मिल गए थे कि वो दोनों उसे छोड़ना ही नहीं चाहते थे। दिन भर उसके पीछे ही घूमते रहते हैं। एक दिन रोहन की मम्मी विशाखा को बिल्ली और कुत्ते के बच्चे की आवाज सुनाई दे देती है।
ये आवाज तो किसी बिल्ली की है और साथ में किसी कुत्ते के बच्चे की भी है, पर ये आवाज रोहन के कमरे में से क्यों आ रहा है? हमारे घर में तो कोई कुत्ता बिल्ली है नहीं, जाकर देखती हूँ। विशाखा चुपचाप रोहन का कमरा खोलती है तो उसे वहाँ बिल्ली और कुत्ते का बच्चा दिखाई देती है। उन्हें देखकर विशाखा को बहुत गुस्सा आ जाती है। उसे पता है कि मुझे जानवर से कितनी नफरत है, फिर भी उसने चुपके से इन जानवरों को घर पे पाल रखा है। आज उसकी खैर नहीं, आने दो स्कूल से, बताती हूँ उसे। विशाखा रोहन के पापा मोहन को फोन करके बिल्ली और कुत्ते के बच्चे के बारे में सब बताती है। रोहन के स्कूल आने से पहले ही मोहन घर पहुंच जाता है और वो भी बहुत हैरान हो जाता है रोहन के कमरे में उन जानवरों को देखकर। तभी रोहन भी स्कूल से घर आ जाता है, साथ में नकुल भी होता है। तुम ऐसा कर भी कैसे सकते हो? इन जानवरों को तुम घर में क्यों लाया? बोलो बोलो कुछ रोहन। आंटी मैं बताता हूँ सब आपको। नकुल विशाखा को सब बात बता देता है। उसी की वजह से उस कुत्ते के बच्चे को चोट आई और दोनों जानवरों की चोट भी उसी ने ठीक की, उनकी बहुत सेवा की, ये सब बताता है। और ये सब सुनकर विशाखा की आंखें नम हो जाती है और वो रोहन को अपने सीने से लगा लेती है। मैं तो अपने बेटे को एक शैतान बच्चा समझती थी, पर तुम तो बहुत समझदार निकले, तुमने बहुत अच्छा काम किया। बेटा मैंने तुम्हें बिना सोचे समझे थप्पड़ मार दिया, उसके लिए मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं मम्मी, मुझे जरा भी बुरा नहीं लगा, पर मेरे मन में एक बात है। पापा मैं बड़े होकर जानवरों का डॉक्टर बनना चाहता हूँ और मैं सभी जानवरों का सेवा करना चाहता हूँ, क्या आप मेरे लिए एक जानवरों का हॉस्पिटल बनवा कर देंगे? मोहन को रोहन की ये बात बहुत अच्छी लगी। रोहन बड़ा होता गया, कई साल बीत गए, अब रोहन बड़ा हो चुका था, जानवरों का डॉक्टर भी बन गया था। उधर मोहन ने भी अपना वादा पूरा किया, उसने रोहन के लिए एक जानवरों का हॉस्पिटल बनवा दिया था। अब रोहन उसी हॉस्पिटल में सभी जानवरों का इलाज करने लगा।